तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, सभी का एग्ज़ाम है, जिनका भी एग्ज़ाम है एनपीयू में, और पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी, एमडीसी का पेपर है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, एमडीसी का फुल फॉर्म होता है, सेमेस्टर वन में पूछा जाएगा। वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, ये आपका नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी दोनों का सेम है 100%। तो दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के विद्यार्थी देख रहे हों, सभी के काम में आएगा। फिलहाल आपका एनपीयू का एग्ज़ाम चल रहा है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम से बनेंगे, तो आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा। मैं यहाँ पे केवल ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, लैंगिक समानता क्या है समझाइए। जो लोग इंग्लिश में हैं वो लोग इंग्लिश में लिखिएगा, एक्सप्लेन वॉट इज जेंडर इक्वलिटी। और हाँ, यह पेपर आपका 100 मार्क्स का रहेगा, सब्जेक्टिव तौर पे आएगा। ठीक है, अगला है हमारा, जेंडर की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। ठीक है, लिंक क्या है इसे आपको बताना है। देन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लैंगिक रूढ़िवादिता से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं स्टेरियोटाइप्स के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लैंगिक समानता किसे कहते हैं, इसके महत्व को बताइए, व्हाट इज जेंडर इक्वलिटी, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो डायरेक्टली आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में छपने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ, सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग घर में प्रैक्टिस करके जाइएगा। अगला है, लैंगिक समानता क्या है, लैंगिक असमानता के विभिन्न संकेतों को बताइए। ठीक है, लैंगिक असमानता क्या होता है, व्हाट इज जेंडर इनइक्वलिटी, एक्सप्लेन द वेरियस साइन ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी। ठीक है, फिर हमारा सेक्शन नंबर, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्या है, ये पूछा गया है, व्हाट इज द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज वर्ल्ड वुमेन्स डे सेलिब्रेट। तो सब को जानता है 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है हमारा, शारदा एक्ट का संबंध किससे है। ठीक है, एक मिनट यार, चलिए, मच्छर बहुत काटता है आजकल ना। चलिए, शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो बाल विवाह को रोकने से शारदा एक्ट का संबंध है। और आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप में से बहुत से लोग बॉयज़ हैं एंड गर्ल्स हैं, अगर आपका एज 18+ नहीं हुआ है, 18 नहीं, मेरा 18 कम से कम तब तो प्लस नहीं हुआ, तो आप लोग कोई भी मैरिज नहीं कीजिएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा राय पूछिएगा, तो गर्ल्स 21+ होइएगा, उसके बाद ही आप लोग मैरिज कीजिएगा, एंड बॉयज़ जितने भी हैं 23 एटलीस्ट हो जाइएगा, उसके बाद ही मैरिज कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप में शरीर तो हो जाता है लेकिन मैच्योरिटी, परिपक्वता नहीं आती है, ठीक है, इतना जल्दी। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा गर्ल्स के लिए या बॉयज़ के लिए। ठीक है, चलिए, हाँ, और 25-26 के बाद भी नहीं करना है गर्ल्स को, और बॉयज़ को 30 तक नहीं जाना है, 28 तक कर लेना है। ठीक है, कोई काम वगैरह खोज लेना है अच्छा सा। नेक्स्ट है हमारा, यूनिसेफ का संबंध किससे है होना चाहिए। तो देखिए, यूनिसेफ क्या है ये भी पूछा जा सकता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, कहाँ गया यार, ये जो यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड, एंड ये आपका मतलब बहिन, क्या बोलते हैं यार, गर्ल्स एंड बच्चा। ठीक है, मैं फुल फॉर्म बोल रहा हूँ, गर्ल्स और जितने भी बच्चे हैं उन सभी के राइट्स के लिए लड़ता है। ठीक है, यूनिसेफ, आगे देख लेते हैं, मैं यूनेस्को का फुल फॉर्म बोलने जा रहा था, जैसे यूनेस्को यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा, यूनेस्को, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पे यूनेस्को नहीं आएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बट इसको नहीं पूछा जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई, ये आपको पूछा जाएगा, 1995। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृसत्तात्मक परिवार से आप क्या समझते हैं, इसे लैंगिक समानता के संदर्भ में समझाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन है हमारा, श्रम के लिंग विभाजन की क्या व्याख्या है,
ठीक है, और इसका निवारण कैसे किया जाता है ये चीज़ पूछा गया है। देन लिंग लेखा परीक्षण का अर्थ एवं महत्व बताइए। फिर क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक समानता के लिए संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से, उन प्रावधानों को बताना है। ठीक है, वॉट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स फॉर जेंडर इक्वेलिटी। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना, शक्तियाँ और कार्यों को लिखें, या फिर आपको झारखंड राज्य से रिलेटेड भी पूछ सकता है। अगर आप अदर स्टेट के तो नहीं होंगे, फिर भी अदर स्टेट के होंगे तो अपना राज्य का यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, महिला आयोग से एक क्वेश्चन रहेगा, घरेलू हिंसा ये चीज़ क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा संस्था अधिनियम 2005 का संक्षिप्त वर्णन करना है आपको। ठीक है, उसके बाद है भारत में दहेज प्रथा रोकथाम अधिनियम 1961 के प्रावधान को लिखना है, कौन कौन से कानून हैं, अधिनियम है। ठीक है, और गर्ल्स लोग एक मतलब माइंडसेट बना लीजिए कि आपको डोरी नहीं लेना है, दहेज नहीं लेना है। ठीक है, मेरी तरह मतलब मैंने तो नहीं किया है, फिर भी जब भी करूँगा तो विथआउट डोरी, चाहे कितना भी अमीर हो जाऊँ, चाहे कितना भी पॉपुलरिटी रहे, चाहे लव रहे, चाहे अरेंज रहे। ठीक है, विथआउट डोरी। नेक्स्ट है हमारा, महिलाओं का यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर। ठीक है, बहुत से लोग क्या होता है कि जब जहाँ पे काम करने जाता है वहाँ से उन लोगों के साथ बदसलूकी किया जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ के बारे में भी रोकथाम, निषेध और कौन कौन से निवारण है, इन सबको जानना है। 2013 में इसके लिए कानून बनाया गया। ठीक है, अपने कलीग्स जो सहकर्मी होते हैं उनके साथ आप गलत बर्ताव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर वुमेन। आगे देख लेते हैं, तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है इसका पूरा का पूरा, इसमें है कि भारतीय महिलाओं का राजनीति में भागीदार, ठीक है, कौन कौन सी बाधा है ये बताना है। व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स टू इंडियन वुमेन्स, ठीक है, पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। तो ये थे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इतना क्वेश्चन आप कर लीजिए। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैच कर जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा, हो सकता है कल तक ला दूँ, ठीक है, या शाम तक ही आपको मिल जाए कल, चलिए जो भी है मिल जाएगा। थैंक यू, बाय। जिनको इसका PDF चाहिए, PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। और हाँ, एग्ज़ाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर हमें सेंड कर दीजिएगा, नंबर नोट कर लीजिए, भूल जाता हूँ। और इसका नंबर का यूज आप लोग अपने, यदि कोई पूछना हो कुछ डाउट तो पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ओनली व्हाट्सअप्स रहेगा। और जब आप एग्ज़ाम देके निकलते हैं अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा इस नंबर पे। ठीक है, थैंक यू, बाय।